हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर। और मैं हूं शिखा गुप्ता। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में, यानी कि साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन के बारे में। ये राजस्थान का आखिरी भौतिक प्रदेश बचा है हमारा। इसके अलावा जितना बचा हुआ था वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पुराने वीडियो मिस कर दिए हैं तो उनका इस वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, ठीक है। अगर हम बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो ये है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, ये मुख्यतः अगर हम बात करें तो कई किताबें लिखती हैं दक्कन के पठार का भाग है, कई किताबें लिखती हैं मालवा के पठार का भाग है। बेसिकली अगर हम बात करें, ये जो क्षेत्र है ये प्रत्यक्षतः तो मालवा के पठार का क्षेत्र है, मालवा के पठार का भाग है, जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और बेसिकली ये जो है मालवा का पठार, ये दक्कन के पठार का भाग है। तो अगर हम बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो अप्रत्यक्षतः यह है दक्कन के पठार का भाग है। तो दोनों ही ठीक है, दक्कन का पठार भी ठीक है, मालवा का पठार भी ठीक है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किसका हिस्सा है? दक्कन का पठार। अब दक्कन का पठार कब बना था? दक्कन का पठार बना था क्रिटेशियस युग में, टर्शियरी एज में। तो क्रिटेशियस युग में क्या हुआ था, तृतीय युग में क्या हुआ था? तो इसके अंदर भारत में एक दरारी उद्भेदन हुआ, फिशर इरप्शन हुआ। दरारी उद्भेदन क्या होता है कि अगर कोई जगह है यहां पर क्रैक पड़ जाए, ये क्रैक पड़ गया और क्रैक में से जो है लावा निकल के बाहर बिछ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? दरारी उद्भेदन या फिशर इरप्शन। फिशर इरप्शन और दरारी उद्भेदन कहते हैं किसी दरार से लावा निकल के बाहर बिछ जाता है। और ये क्या होता है, ये लावा बहता है जमीन के ऊपर, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फ्लो बोलते हैं, फ्लो या प्रवाह। तो इसके कारण जो है लावा बिछ जाता है काफी दूरी तक, और इस लावा से बनती है बेसाल्टिक चट्टानें। लावा से क्या बनती है? बेसाल्टिक चट्टानें बनती हैं। और इस बेसाल्टिक चट्टानों का जब अपरदन होता है तो उससे बनती है काली मिट्टी, काली मृदा बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है। और ये जो है कॉटन के लिए या कपास की फसल के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा कहा जाता है, ठीक है। तो दक्कन के पठार का भाग है, इसलिए लावा का पठार है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि लावा से निर्मित क्षेत्र कौन सा है, तो वो कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है। कई बार पूछा जाएगा कि दक्कन के पठार का भाग कौन सा है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है। या मालवा के पठार का भाग कौन सा है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है। काली मृदा का क्षेत्र कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है। तो ये सारी चीजें जो है इससे जुड़ी हुई है। अब इस क्षेत्र के बारे में कुछ कुछ चीजें जान लेते हैं। वैसे तो हमने ज्यादातर चीजें पहले कवर कर ली है। तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है ये भी, लेकिन गोंडवाना लैंड के अवशेष के ऊपर यहाँ पर दरारी उद्भेदन के कारण नया लावा बिछ गया। तो अगर हम बात करें, ये राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना क्षेत्र है, सबसे पुराना अरावली और दूसरा सबसे पुराना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। हालांकि गोंडवाना लैंड का अवशेष है, तो राजस्थान में दो क्षेत्र है जो गोंडवाना लैंड के अवशेष है, एक तो अरावली, दूसरा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और टैथिस सागर के अवशेष दो है, एक तो मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। इसका विस्तार कहां पर है, हर किताब अलग अलग बताती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और इधर सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर वाला जिला जो चंबल बनास नदी का डांग क्षेत्र है, ठीक है। यह भौतिक प्रदेश जो है राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है, 6.89% क्षेत्रफल पर है। यानी राजस्थान का सबसे कम क्षेत्रफल किस भौतिक प्रदेश में है, इसी भौतिक प्रदेश में है। लेकिन राजस्थान की 11% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, जबकि अरावली जिसके अंतर्गत राजस्थान का 9% क्षेत्रफल है, वहां पर 10% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, 11% जनसंख्या रहती है। तो राजस्थान का दूसरा सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र है, सबसे ज्यादा घना बसा हुआ कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, जहां पे जयपुर, भरतपुर जैसे 500 से ऊपर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व है। ऐसे दो जिले जयपुर, भरतपुर, और वो कहां पर है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। उसके बाद जो है सबसे ज्यादा सघन बसा हुआ क्षेत्र कौन सा है, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। क्योंकि काली मिट्टी के कारण, चंबल और उसकी सहायक नदियों के पानी के कारण यहाँ अच्छी खासी खेती की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसे दो भागों में बांटा जाता है, विंध्यन कगार भूमि और हाड़ौती का पठार, और इनको भी आगे डिवाइड किया जाता है। एक एक करके समझ लेते हैं। पहले हम बात करें सबसे पहले विंध्यन कगार भूमि की, तो विंध्यन कगार जो भूमि है ये मुख्यतः तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में है, जहां चंबल और उसकी सहायक
सहायक नदी ने क्या कर दिया है, अपरदन या कटाव के जो है क्रिया के कारण बीहड़ बना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बीहड़ किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो कोटा सवाई माधोपुर सॉरी चंबल नदी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन सी नदी अपरदन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो वो है चंबल नदी। तो चंबल ने यहाँ पे खूब ज्यादा अपरदन कटाव किया है जिससे स्तंभ नुमा आकृतियों का निर्माण कर दिया, यानी कि छोटे छोटे पहाड़ बना दिए हैं जिसके पीछे डाकू आराम से छुप सकते हैं, और इस वजह से ये जो क्षेत्र है ना तो यहाँ पे अच्छी खेती हो पा रही है जो विंध्यन कगार है, और ना ही यहाँ पे क्या हो रहा है विकास हो पा रहा है। विंध्यन कगार में चंबल नदी ने इतना कटाव क्यों किया है जबकि चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में या फिर हम बात करें कोटा वाले क्षेत्र में तो इसने इतना कटाव नहीं किया, फिर क्या वजह है कि इन सवाई माधोपुर करौली धौलपुर जिलों में इसने इतना कटाव किया है। तो जरा एक बार नक्शा देखते हैं, और नक्शे में आप देखोगे कि ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी का ये वाला जो क्षेत्र है ये है विंध्यन कगार, और इसे विंध्यन कगार क्यों कहते हैं, क्योंकि राजस्थान के नीचे यहां पर स्थित है विंध्याचल, विंध्याचल की पहाड़ियां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, तो विंध्याचल की पहाड़ियों का बेसिकली ये हिस्सा है। कगार का मतलब होता है खड़ी चट्टान, है ना, स्कार्पलैंड बोलते हैं, विंध्यन स्कार्पलैंड बोलते हैं इंग्लिश में, तो खड़ी चट्टान होते हैं इसका मतलब, और यहां पर क्या है ये विंध्या की चट्टान है। विंध्याचल पहाड़ियों की अगर हम बात करें जैसा कि हम भारत के भूगोल में पढ़ेंगे तो विंध्याचल की पहाड़ियों में अधिकांशतः चूने की चट्टाने हैं, और चूना जो होता है जल में घुल जाता है, यही वजह है कि चंबल ने यहाँ पे सारा चूना घोल कर निकाल दिया है और क्या बन गए हैं यहाँ पर बीहड़ बन गए हैं। जबकि ये वाला जो क्षेत्र है चंबल चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है भैंसरौड़गढ़ से आगे कोटा बूंदी होते हुए जाती है, यहाँ की चट्टाने एक तो पठारी प्रदेश है, कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जहाँ पे बेसाल्टिक चट्टाने हैं, और अगर हम बात करें इधर चित्तौड़गढ़ के आसपास तो कुछ हद तक ग्रेनाइट या संगमरमर की चट्टाने हैं, तो यहाँ पे अपरदन इतना ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर चूने की चट्टाने हैं और चूना इजीली पानी में घुल जाता है इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक अपरदन हुआ है, इसलिए विंध्यन कगार में सबसे ज्यादा अपरदन हुआ है। जबकि ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है हाड़ौती, हाड़ौती में इतना ज्यादा अपरदन नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ की चट्टाने बेसाल्टिक चट्टाने हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कई बार मेंस टाइप एग्जाम में, तो यहाँ पे आप इसको याद रखेंगे। तो अगर हम बात कर रहे थे विंध्यन कगार की, तो यहाँ पर जो है बीहड़ों का निर्माण हुआ, इसे क्या कहते हैं बीहड़ भूमि कहते हैं, और इसे डांग कहते हैं क्योंकि डाकू लोग यहाँ पे छुप जाते हैं। अगर हम बात करें सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है, धौलपुर जिले में है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक बीहड़ों का विस्तार कहाँ पर है, तो सर्वाधिक बीहड़ों का विस्तार है सवाई माधोपुर जिलों में। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है, पहला तो सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है, तो सर्वाधिक बीहड़ है धौलपुर जिले में, और सर्वाधिक बीहड़ों का विस्तार कहाँ है सवाई माधोपुर जिले में। और इसके अलावा कई क्वेश्चन और यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे डांग की रानी, डांग की रानी किसे कहते हैं, तो करौली को कहते हैं, या बोल सकते हैं करौली के पठार को कहते हैं। ठीक है, डांग की रानी कहते हैं। ठीक, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये सारे प्रश्न, तो आपको थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें इसकी विंध्यन कगार की, तो विंध्यन कगार और हाड़ौती की पठार का डिवीजन मैं अभी आपको बता दूंगी। हाड़ौती के पठार की बात करें तो इसमें मुख्यतः कोटा बूंदी और झालावाड़ जिले आते हैं, बारा जिले का भी कुछ हिस्सा रामगढ़ पहाड़ियों वाला इसके अंदर शामिल किया जाता है। अब इसमें जो है ये ज्वालामुखी की लावा से बना हुआ है, बेसाल्टिक चट्टाने हैं, काली मिट्टी मिलती है, और कपास की खेती के लिए अच्छी रहती है, और यहाँ पर भी जो है थोड़ा बहुत चंबल ने कटाव किया है जिससे छोटी छोटी पहाड़ियां बन गई हैं, जैसे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, अभी हम देखेंगे बूंदी की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां, तो चंबल ने इस क्षेत्र को थोड़ा बहुत काट दिया है जिससे यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियां बन गई हैं। अब हम बात करें, अगर पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे आर्द्र भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वो यही है, राजस्थान का सबसे आर्द्र पठार है कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब हम इसके विभाजन को जरा पढ़ते हैं कि हाड़ौती के पठार, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विभाजन कैसे हुआ है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको सबसे पहले हमने दो भागों में बांटा, एक तो है हाड़ौती, हाड़ौती का पठार है ना, और दूसरा है विंध्यन कगार। क्या है दूसरा, विंध्यन कगार। तो हाड़ौती का जो पठार है इसको हमने जो देखा कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला हिस्सा है, इसको फिर दो भागों में बांटा जाता है, एक तो है झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार, और दूसरा इसके अंदर आता है डग गंगाधर प्रदेश, डग गंगाधर प्रदेश। तो हाड़ौती के पठार की बात करें तो मुख्यतः इसके अंदर झालावाड़
इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है। तीन हिस्सों में कौन सा हो गया? एक तो हो गया नदी निर्मित क्षेत्र, नदी निर्मित मैदान, ठीक है, नदी निर्मित मैदान। दूसरा है इसके अंदर अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का मतलब क्या है मैं सब बताती हूँ आपको, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। और तीसरा इसके अंदर जो क्षेत्र है वो आता है शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि। तो इस तरीके से इसके तीन भाग किए गए हैं, कौन कौन से? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, इसके अलावा आ गया कि अर्ध, इसको दो भागों में बांटा, हाड़ौती का पठार और विंध्यन कगार। इसके बाद हाड़ौती के पठार को झालावाड़ का पठार, डग गंगाधर प्रदेश, और विंध्यन कगार को नदी निर्मित मैदान, अर्धचंद्राकार पहाड़ी और शाहबाद उच्च भूमि। अब हम बात करें देखो इस क्षेत्र की, है ना, इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ, यहाँ पे तो ठीक से दिखेगा नहीं, है ना, तो इसको एक डायग्राम बना के समझा रही हूँ। हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र, ठीक है, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है लगभग, हम ये मान रहे हैं इसके अंदर इसको विंध्यन कगार का ये वाला हिस्सा हम शामिल नहीं कर रहे, ठीक। तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे हम बात करें ये हिस्सा कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। अगर हम बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी लगभग इस तरीके से जाती है यहां से, ठीक है, चंबल नदी है ये। और चंबल जो नदी है, इस नदी ने अपने क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है ये क्या है, चंबल का नदी निर्मित क्षेत्र, है ना, नदी निर्मित मैदान हमने एक हिस्सा किया था, तो ये है नदी निर्मित मैदान, ठीक है, जो चंबल के आसपास वाला हिस्सा है ये क्या है, नदी निर्मित मैदान है। आगे हम बात करें नदी निर्मित मैदान, ठीक। अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं वो जरा देखते हुए चलिए। यहां पर है देखो, इधर है बूंदी, तो यहां पर स्थित है बूंदी की पहाड़ियां, यहां पे क्या है, बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां। कहां पर है बूंदी की पहाड़ियां? बूंदी में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सातूर, क्या है इसकी सबसे ऊंची चोटी? सातूर, जिसकी ऊंचाई है 353 मीटर। कई बार पूछ लेंगे फटाफट से कि बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी या बूंदी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो सातूर है 353 मीटर। यहां पर इस क्षेत्र में है रामगढ़ की पहाड़ियां। रामगढ़ क्षेत्र कहां पर है? बारा में। आपको पता होगा रामगढ़ क्रेटर के बारे में, अभी हाल ही में इसे जियो हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। तो ये है रामगढ़ की पहाड़ियां, कहां पर है? बूंदी बारा के क्षेत्र में है, बूंदी और मुख्यतः बारा। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जब एक बार उल्कापात हुआ, उल्कापात एक बहुत बड़ा उल्का जो है इस क्षेत्र में आके गिरा था, और उसके कारण एक गड्ढा बन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, रामगढ़ क्रेटर बोलते हैं। रामगढ़ क्रेटर कहां पे? बारा में है। तो यहाँ पे क्या है, रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, रामगढ़ की पहाड़ियां। इनकी आकृति कैसी है? इनकी आकृति है घोड़े की नाल के समान। पूछा जाता है किसके समान? घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियां कौन सी हैं? तो वो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। फिर हम नीचे आ जाओ, यहां पर है कुंडला की पहाड़ियां। क्या है? कुंडला की पहाड़ियां। इनकी आकृति कुंडल के समान है, इसलिए इनको कुंडला की पहाड़ियां कहते हैं, कुंडल के समान आकृति है इनकी। और ये कहां पर है? ये है कोटा में, कुंडला की पहाड़ियां कोटा में, ठीक है, कहां पर आ गई? कोटा में आ गई। इसके अलावा ये हम बात करें देखो नीचे, तो ये जो क्षेत्र है ये है झालावाड़ का पठार। ये पूरा जो क्षेत्र है ये क्या है? झालावाड़ का पठार है। और कोटा और झालावाड़ में एक पहाड़ियां हैं जिन्हें हम कहते हैं मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। ये कौन सी है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा हिल्स, जहां पे मुकुंदवाड़ा जो हमारा उद्यान है, है ना, राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है मुकुंदवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इन मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में, कोटा झालावाड़ के क्षेत्र में। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों की अगर हम बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदबाड़ी। क्या नाम है इसकी सबसे ऊंची चोटी का? चांदबाड़ी। 517 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, चांदबाड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों की। अब इन पहाड़ियों को देखो, ये आपको थोड़े अर्धचंद्राकार आकृति में दिखाई देंगी, इन्हीं को बोला जाता है अर्धचंद्राकार की पहाड़ियां। कौन कौन सी है? बूंदी की पहाड़ियां, इसके अलावा रामगढ़ की पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ियां और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। इन चारों को मिला के बोला जाता है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। और अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में बूंदी में सबसे ऊंची चोटी सातूर, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है चांदबाड़ी।
कोंडल की आकृति की कौन सी है, कुंडला की पहाड़ियां कोटा में, और घोड़े की नाल की आकृति की कौन सी है, रामगढ़ की पहाड़ियां बूंदी बारा में। अब हम बात करें झालावाड़, अब हम आगे अर्धचंद्राकार प्रदेश और नदी निर्मित मैदान हो गया। इसके अलावा यहाँ भी एक क्षेत्र है जिसे बोला जाता है शाहबाद उच्च भूमि। तो शाहबाद उच्च भूमि कहां पर है, ये है, तो इसे बोला जाता है, ये है शाहबाद की उच्च भूमि। शाहबाद उच्च भूमि है और शाहबाद ये कहां पर है, बारा में है, बारा में है। और इस पर जो है सहरिया जनजाति रहती है, यहां लिख देती हूँ सहरिया जनजाति, बारा जिले में रहती है सबसे ज्यादा, तो सहरिया जनजाति रहती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कस्बा थाना है। क्या नाम है, कस्बा थाना। कई किताबें कांबा लिखती है, कई किताबें कास्बा लिखती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, सरकारी आंकड़े मैंने आपको पढ़ के बता रही हूँ, उसमें जो है कौन सा दे रखा है, कस्बा थाना दे रखा है, शाहबाद की सबसे ऊंची चोटी। और इसकी जो है ऊंचाई है 456 मीटर, ठीक है, 456 मीटर लगभग। शाहबाद उच्च भूमि की बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर है, इसलिए इसे उच्च भूमि बोलते हैं। आसपास के क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है ना, ये पूरा जो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन शाहबाद उच्च भूमि की औसत ऊंचाई 450 मीटर और इसकी सबसे ऊंची चोटी है कस्बा थाना 456 मीटर। शाहबाद उच्च भूमि बेसिकली किसके लिए जानी जाती है, सहरिया जनजातियों के लिए जानी जाती है, यहाँ पे सहरिया जनजाति रहती है। अब ये झालावाड़ का पठार है, झालावाड़ के पठार में हम बात करें यहाँ नीचे की तरफ दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में, इसका दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा, इसे कहते हैं डग गंगाधर प्रदेश, डग गंगाधर प्रदेश। तो इस तरीके से पूरा ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, है ना। ये आपको वैसे पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का नाम है पीएस कॉर्नर बाय शिखा गुप्ता, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एग्जाम में यहाँ से इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, तो ये इमेज अगर आपको अच्छे से याद होगी तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमने जो है अलग अलग इसके जो भाग किए थे उसमें देखो, हाड़ौती के पठार के दो भाग, झालावाड़ का पठार और डग गंगाधर प्रदेश, ठीक है। डग गंगाधर प्रदेश कहाँ है, झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में है, कहां पर, इसके दक्षिण पश्चिम में, झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में है। फिर नदी निर्मित मैदान चंबल का मैदान है, अर्धचंद्राकार की पहाड़ियों में चार पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी है अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, इसके अंदर चार पहाड़ियां हैं। पहला हो गया बूंदी की पहाड़ियां, है ना, बूंदी की पहाड़ियां, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सातूर, बूंदी में है ये। फिर दूसरा जो इसके अंदर आ गया है वो कौन सी हो गई, रामगढ़ की पहाड़ियां। रामगढ़ की पहाड़ियां कैसी हैं, घोड़े की नाल की आकृति है की है, और ये कहां पर है, बूंदी बारा में है, बूंदी बारा में, ठीक है। और किसकी आकृति है, घोड़े की नाल की, घोड़े की नाल के समान है। फिर तीसरी हो गई इसके अंदर जो हमने देखी थी कुंडला की पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ियां कहां पर है, कोटा में है, ठीक है, और इनकी आकृति कैसी है, कुंडल के समान है। और चौथी कौन सी है, चौथी है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, ये कहां पर है, कोटा झालावाड़ में है, कोटा झालावाड़ में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चांदबाड़ी, चांदबाड़ी, कितनी ऊंचाई है इसकी, 517 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सातूर की ऊंचाई 353 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और अगला है शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि जो है ये कहां पर है, बारा में है, और यहाँ पे सहरिया जनजाति रहती है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कस्बा थाना है, ठीक है। तो एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में बस इतना ही है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको जरूर से लाइक एंड शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा के रखें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ आपको मिली जाएंगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना टेलीग्राम चैनल का वही नाम है जो इस चैनल का नाम है। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछिए, फीडबैक दीजिए, सजेशन दीजिए, सभी चीजों का वेलकम है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।